क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 मैथमेटिक्स लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या लिखा है? सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग। 8 रुपये कमाती है एक बैग पर, ठीक है ना। कितने रुपये कमाती है? 8 रुपये। एक बैग पर कितने कमाती है? 8 रुपये। ऑफ वाइट सीमेंट एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग। पर बैग पर कितनी कमाती है? लॉस कितना है? ₹5 का। वन बैग पे लॉस कितना है? ₹5 का। कोई बात नहीं। ए कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट पे कितना प्रॉफिट कमाती है वो? ₹8। 3000 पे कितना कमाएंगे? मल्टीप्लाई भाई 3000 बैग पे कितना कमाएंगे? इसके मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे। 24000 क्या करेगी? ये हमें प्रॉफिट देगी, ठीक है। एंड 5000 बैग गिरे सीमेंट बैग बेचती है। कितने बैग थी? 5000 गिरे बैग्स। और 5 गिरे बैग पे कितना प्रॉफिट है? ये रहा लॉस है। कितना है? ₹5 का लॉस है। लॉस कितना है? ₹5 का। 5 5 दा 25 25 का इसे कितना हो गया? लॉस हो गया। प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है? लॉस ज़्यादा है। तो टोटल लॉस कितना हुआ? 25000 में से हम माइनस क्या कर देंगे? 24000। तो 1000 का उसे क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। ये कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। 3000 बैग्स वाइट सीमेंट का पैड करती है और ₹8 हमें एक बैग पे मिलते हैं। किस कौन से वाले बैग पे? वाइट बैग पे। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 24000। हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 5000 बैग्स क्या करते हैं? ग्रे सीमेंट के बैग करते हैं एक महीने के अंदर। और ग्रे सीमेंट पे क्या? ₹5 का क्या है हमें? लॉस है। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 5000 बैग पे 25000 का लॉस हुआ। 24000 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, लॉस ज़्यादा हुआ? लॉस ज़्यादा हुआ। कितना लॉस हुआ? 1000 का, ठीक है। पहला पार्ट ही हमारा ख़त्म हो जाता है। सेकेंड पार्ट हम रफी तरीके से कर रहे हैं, अभी आराम से करेंगे और समझेंगे भी। What is the number of white cement bags it must sells to have neither profit nor loss? कितने बैग्स उसे सेल करने चाहिए ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो? तो जाहिर सी बात है, बैग बेचे ही ना प्रॉफिट होगा ना लॉस हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड, ग्रे बैग बेच दिए उसने 6400 बैग्स। कितने? 6400 क्या बेच दिए? ग्रे बैग्स बेच दिए। और एक बैग पे कितना का लॉस है? 5 का है। तो टोटल लॉस कितना होगा? 0 0 0 0 0 4 5 20 5 6 30 और 2 32 32000 का क्या हो गया? उसे लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया? 32000 का लॉस। अब वो चाहती है कि आप वाइट बैग्स भी बेच दें ताकि नो लॉस हो ना प्रॉफिट हो। तो एक वाइट बैग पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है? ₹8 का प्रॉफिट कितना पे है एक बैग पे, ठीक है ना। तो ₹8 का। और ₹1 का प्रॉफिट कितना होगा? 1/8 बैग पे। ₹8 ज़्यादा हैं तो बैग 1 है, ₹8 कम होते तो बैग भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, तो डिवाइड हो जाएंगे। और 32000 रुपीस पे कितने बैग पे हो जाएगा? ज़्यादा होगा। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 32। यूनिटरी मेथड आपने सीखा होगा क्लास फिफ्थ में सीखा होगा। तो इसे 8 से करना, 8 1 8 8 4 32 और 30, यानी कि 4000 बैग्स किसके बेचे? वो वाइट सीमेंट के बेचे। तो उसे नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट होगा। बात समझ में आए? क्योंकि इसने 6400 बैग्स बेच दिए। किसके? गिरेब के बेच दिए। और एक गिरेब के बेचने में ₹5 का नुकसान है। तो उसे हम ₹5 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल 32000 का उसने लॉस हो गया। अब उसे नो लॉस चाहिए, नो प्रॉफिट चाहिए। तो 32000 के उसे कितने बेचने चाहिए? वाइट सीमेंट बैग बेचने चाहिए। तो कितने होने चाहिए वाइट सीमेंट बैग जो 32000 के? तो ₹8 पे प्रॉफिट होता है एक बैग पे। तो 32000 पे कितने बैग्स चाहिए? ₹8 मिलेंगे उसे वन बैग बेचने पे। क्या प्रॉफिट? प्रॉफिट की बात हो रही है। तो ₹1 का प्रॉफिट होगा 1/8 बैग पे। और 32000 का होगा, इसे हम करके 4000 बैग का कर लेंगे, ठीक है। अब इसे हम सिस्टम से जैसे हम लिख के करते हैं एग्ज़ाम में करते हैं, उस तरह से कर लेते हैं। आपके समझ में आ गया होगा, ये मैंने लिख रखा है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉफिट ऑफ वन बैग ऑफ वाइट सीमेंट ₹8। सिमिलरली गिरे पे कितना हुआ?
₹5 का लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, 3000 पहले सवाल में, पहले क्वेश्चन में बेचता है ये मैं, तो 3000 मल्टीप्लाई करी 24000 का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऑन सेलिंग 5000 बैग्स ऑन ग्रे सीमेंट्स, ग्रे सीमेंट्स पे कितने का लॉस हुआ, 5 × 5 = 25 और 1000 = 25000। सिंस लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, सो हिज टोटल लॉस कितना, 25000 माइनस 24000 इज इक्वल टू 1000 का उसे लॉस हुआ है। पार्ट बी में कहता है लॉस ऑन सेलिंग 64000, ग्रे बैग्स पे कितना लॉस होता है, 64000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 32000, ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट, ही मस्ट अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 32000 ऑन सेलिंग वाइट सीमेंट। वी नो डेट रुपीज 8 प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, ठीक है ना, तो सो रुपीज 1 प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1/8 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, सो रुपीज 32000 प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1/8 × 32000 बैग्स के करने के बाद ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।